तो झारखंड के अलग अलग जिलों से अक्सर स्वास्थ्य विभाग की बीमार व्यवस्था की खबरें आती रहती हैं। कहीं से डॉक्टर की कमी तो कहीं से लचर व्यवस्था की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आज खबर है रामगढ़ के मांडू प्रखंड के, जहां पर सामुदायिक केंद्र में क्या कुछ होता, वो एक हम रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि क्या होता है यहां पर और कैसे एक एम्बुलेंस यहां पर बीमार है। जी हाँ, एम्बुलेंस भी बीमार है यहां पर, तो रिपोर्ट के जरिए आप भी समझ जाएंगे हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां एक एम्बुलेंस है लेकिन बीमार है, जिसे इलाज की जरूरत है। इस एम्बुलेंस में ना चक्के का पता है, ना खिड़की में शीशे का, ना सीट पर कवर है और ना ही इंजन में जान। कुल मिलाकर कहे तो ये कबाड़ हो चुका है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, बताने वाला भी कोई नहीं। ये तो एम्बुलेंस लगभग बहुत पुराना है, 20-30 साल मुझे याद नहीं है। तो आप लोग इसको मतलब अपने तरीके से इसको जांच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी एम्बुलेंस है। नहीं, 20 साल हुआ तो जाहिर सी बात है नया से पुराना हुआ होगा, नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या कारण क्या था जो आखिर ये रोड में ये मरीजों को सहयोग नहीं कर पा रहा। इसके लिए आप एक मतलब फाइल कर सकते हैं लेटर और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिल जाएगी जानकारी आपको। आपके पास कुछ जानकारी है क्या इससे संबंधित? सिविल सर्जन और स्वास्थ्य मंत्रालय की लापरवाही, घोर लापरवाही है। जो नया कह सकते हैं एम्बुलेंस जो गरीब गुरबा की सेवा के लिए आया था, वो जर्जर और कह सकते हैं कि सड़ गया। बहरहाल इस खबर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुँचने के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था कर ले, एम्बुलेंस का इंतजार ना करे, क्योंकि एम्बुलेंस खुद बीमार है। मांडू से न्यूज 11 भारत के लिए खालिद अनवर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।